नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रोम आलोक पर। मित्रों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और मैं आपको राशियों के बारे में बता रहा हूँ आपकी भाषा में, सरल भाषा में और थोड़ी मनोरंजक मजेदार बात। पहले हम राशियों के बारे में बहुत कुछ बता चुके हैं, किस राशि के बंदे को क्या करना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें उनके लिए अच्छी रहेंगे। राशि को भी आप जान जाइए, अपनी भाषा में आप जान जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। इनके कई जगह आपको जरूरत पड़ती है, कई जगह कुंडली पत्री दिखानी पड़ती है, पंडित बताते हैं ये राशि आपकी ये है, आपका बुद्धि ये है, आपका तो कुछ आपको अंदाज रहेगा कि वो क्या बोल रहे हैं आपसे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल रोम आलोक को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस राशि के मिथुन राशि के जो लोग हैं, जातक हैं, वो लेखक बन जाते हैं या फिर बिजनेसमैन, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट, प्रोफेसर, डॉक्टर और प्रॉपर्टी डीलर्स, कई बार समाचार पत्र के मालिक भी बन जाते हैं, एडिटर्स और या फिर तंबाकू बेचने वाले, शिक्षा शास्त्री, इतिहास वेत्ता, राजनेता भी बन जाते हैं, प्रकाशक या फिर पुस्तक विक्रेता भी होते हैं। ये इन सब लाइनों में सफल रहते हैं। आप अक्सर देख लो, इस लाइन से जुड़े लोग, इस राशि से, मिथुन राशि से जुड़े होंगे, बाजार में आप समझ लो 90% में बोलता हूँ ये सफल रहते हैं, धाक रहती इनकी धाक। विदेशों से व्यापार करते हैं तो उसमें और ज्यादा सफल होते हैं। इस राशि के जातक की एक और चीज है, ये झूठ बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं और जनता को विश्वास में लेने में सफल रहते हैं। झूठ से किसी को छलना वाला नहीं, अपनी बात को आगे रखने के लिए, ताकि मार्केटिंग में जैसे बोला जाता है झूठ, वैसे टाइप का झूठ, और इसीलिए इस राशि के नेता प्राय सफल रहते हैं, लेकिन स्वभाव से कंजूस होते हैं। इनकी लाइफ में क्या है, 29-30 साल तक भागम दौड़, और दूसरे इनकी अपना स्वभाव भी होता है कि हर काम में हाथ डालते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो 29 से 30 साल की उम्र के बाद इनके जीवन में स्थायित्व आता है। 40 के बाद इतने पक जाते हैं, इतने रम जाते हैं कि ये पूरी तरह से सफल हो जाते हैं। 20 से 22 वर्ष की आयु में इनको कुछ कष्ट होता है, कई बार बिल्कुल जिंदगी मौत पै जाती है, ऐसा कष्ट होता है। अधिकतर इस राशि की जातक, उनकी एवरेज जो उम्र है वो 70 साल की होती है और जीवन का लास्ट टाइम तो इनका बहुत ही ज़्यादा शान से बीतता है। लेकिन दाम्पत्य जीवन यानी मैरिड लाइफ क्या है, कलहपूर्ण होता है, मानसिक तनाव भी दिए रहता है थोड़ा बहुत, पर निभता है, साथ छूटता नहीं, तलाक वलाक जैसे किससे नहीं के बराबर ही होते, ये समझिए। संतान सुख बहुत मिलता है इन्हें और इस राशि के जातकों का है, उन्हें नौकरी से संतोष होता ही नहीं, अपनी उन्नति के लिए वो लगातार लगे रहते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय करना इनकी इच्छा होती है, विशेष इच्छा। स्वास्थ्य तो अधिकतर खैर अच्छे रहता है, अगर कोई परेशानी रहती है तो उसमें है नाक, कान, गला और वायु से, हवा जो अंदर बात होती है, वायु से संबंधित रोग घेरे रहते हैं और कई बार ऐसा होता है इन्हें ऑपरेशन, कई मामलों में कई लोगों को ऑपरेशन की जरूरत पड़ जाती है, शल्य चिकित्सा की। अब बात करते हैं इस राशि के लोगों का प्रेम किस मामले में चलता है। प्रेम के मामले में आपको बता दूं, इतने दक्ष, इतना अच्छा, इतने आकर्षक होते हो, प्रेम के मामले में अक्सर असफल रहते हैं। बहुत सारे प्रेम प्रसंग होते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। ये लोग क्या है, इस राशि के पुरुषों की बात करें तो स्त्रियों के लिए आकर्षण रखते हैं और डरते भी हैं, पता नहीं है प्रेम में कर रहा हूँ सफल होगा कि नहीं होगा, तो उस चक्कर में, उनके डर के चक्कर में भी कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मिथुन राशि का पूरा जीवन अधिकतर उतार चढ़ाव भरा होता है, अंत जरूर सुखमय होता है। चित्रकला है, संगीत, लेखन, इसमें ये बिल्कुल ऐसा कर जाते हैं कि समझिए अमर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं। और साथ में पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग जीवन में एक बार बनता है, ये है मिथुन राशि। मिथुन राशि को आप अंतिम इसकी कड़ी में आपको दिखा रहा था, बता रहा था। अब अगली राशि हमारी शुरू होगी कर्क। कर्क राशि के बारे में बताऊंगा, लेकिन चलने से पहले मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल ओम आलोक पर आपका स्वागत है। नमस्कार।